दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ये जीरो है, जीरो पर जो है वो मतलब होता है मूल, ओरिजिन। यहाँ पर बुद्धिज्म आता है और वेदांत आता है। वेदांत बोलता है कि ओरिजिन पे आ जाओ, और बुद्धिज्म बोलता है ओरिजिन पे आ जाओ, ठीक है। रियलिटी जो है वो ओरिजिन पे है। चारवाक कहता है नेगेटिव, बोले खाओ भी वाइश करो, अय्याशी करो, मतलब आजकल के लोग जो हैं चारवाक वाले हैं, बहुत सारे चारवाक होंगे। फिर दो पे आ जाओ एक्स एक्सिस पे तो सांख्य हो गए, वो कहता है कि दो हैं, एक रियलिटी जो है वो दो हैं। और भक्ति वाले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इसके बाद में, माधवाचार्य वल्लभाचार्य ये सब, ये कहते हैं कि जो है वो भक्ति करो और मतलब मेन रियलिटीज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जैनिज्म भी इधर ही आ जाएगा, तो यहाँ आप समझ सकते हो। तो जीरो पे कौन आएगा, बुद्धिज्म आएगा और वेदांत वाले आएंगे, वो कहते हैं कि जो है वो रियलिटी दो नहीं हो सकती, एक ही है, तो ओरिजिन पे आ जाओ, ब्रह्म सत जगत मिथ्या। तो ये आप इस तरीके से याद रखो। तो ये एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे कोई लाइन पड़ेगी नहीं, तो एक्स एक्सिस पे पता चल जाएगी। तो ये चार भाग, ये बुद्धिज्म और वेदांत, जैनिज्म यहाँ पे, सांख्य दो पे, और भक्ति आंदोलन सब इधर।